नमस्कार बच्चों, आज हम करेंगे डाउट क्लास। जो हमने कल 6.1 एक्सरसाइज करी थी, कंप्लीट कराई थी 1 टू लेकर 22 क्वेश्चन तक, उसमें कुछ बच्चों के डाउट्स आए हैं। उसके अंतर्गत आपके कुछ बच्चों ने डाउट्स दिए हैं, एक फिफ्थ क्वेश्चन में बोला नहीं हुआ है, एक सेवन्थ बोला नहीं हुआ है, एक आधा क्वेश्चन हो रहे हैं। तो आज मैं केवल डाउट क्लास देता हूँ आपके, जिससे इस एक्सरसाइज में कोई भी आपके दिक्कत नहीं हो। तो 6.1 एक्सरसाइज की डाउट क्लास है, वही है त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात एक्सरसाइज 6.1 डाउट क्लास। तो सबसे पहले आपके फिफ्थ क्वेश्चन है, ये एक्चुअल में डाउट क्या है, इसमें क्वेश्चन खुद में आपके गड़बड़ थी, तो उसमें करेक्शन करवाता हूँ क्वेश्चन में, इसीलिए आपसे नहीं हुए क्योंकि आंसर आ नहीं रहे थे, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में खुद में आपके प्रॉब्लम थी, मतलब उसमें सही नहीं थे क्वेश्चन। कैसे, जैसे सबसे पहले फिफ्थ क्वेश्चन है, क्वेश्चन फिफ्थ में क्या है तुम्हारे, 5 cos square 60 प्लस 4 आपको दे रखा है यहाँ पर साइन, जो कि एक्चुअल में साइन नहीं है, यहाँ पर sec square 30 माइनस का tan square 45, तो यहाँ प्लस का दे रखा था, वो एक्चुअल करना है माइनस का tan square 45 डिवाइडेड बाय sin square 30 और प्लस का है cos square 30, यहाँ पर दे रखा आपके 45। तो ये दो करेक्शन थे, एक तो साइन की जगह सेक करना था आपको, इसमें इसलिए प्रॉब्लम आती है, एक प्लस की जगह यहाँ माइनस करना है, और एक आपको जहाँ cos square 45 है वहाँ पर 30 करना है। अब ये आपके क्वेश्चन के हिसाब से आंसर आ जाएगा आपका, क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ थी। अब आपका सबसे पहले यहाँ पर रखेंगे cos square 60 की वैल्यू, रखो cos square 60 कहाँ पर, देखो टेबल के अंदर cos 60 1/2, तो यहाँ करेंगे 1/2 का होल स्क्वायर, प्लस sec square 30 की वैल्यू रखो, sec square 30 2/√3, तो 2/√3 का होल स्क्वायर, और tan square 45 मान कितना होता है 1 का होल स्क्वायर, डिवाइडेड बाय sin square 30 की वैल्यू क्या होती है, sin square 30 1/2, यहाँ लिखेंगे 1/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ cos square 30 कितना है, cos square 30 √3/2, तो √3/2 का होल स्क्वायर। आगे करो 5 1/4 हो गया, और प्लस 4 ये स्क्वायर किया 1/2 का, ये 4 2 का स्क्वायर किया 4, और 3 √3 का किया 3, और माइनस का क्या 1, डिवाइडेड बाय 1/4 और प्लस 3/4, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का 4 हो गया, या √3 का 3 बन गया, 2 का 4 हो गया। अब आगे हम करेंगे, दिए हो गया 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1/1 और डिवाइडेड बाय, यहाँ 4 एलसीएम लिया तो हमारा कितना 1+3। आगे करो 4, 3, 1 एलसीएम कितना आ गया 12, एलसीएम आएगा 12, जब एलसीएम लिया तो हमारे पास 4 का गया 3 टाइम डिवाइड 15 प्लस एक कितने टाइम गया 4 टाइम 64 और ये कितना आ गया 12 आएगा, और इसके नीचे क्या है अपने पास 4/4, अब ऊपर क्या बचा देखो 15 में 64 जोड़ो 9 79 माइनस 12 डिवाइड बाय 12 और उससे डिवाइड कितना 4/4, 79 12 लेस करो 67 by 12 और ये 4/4, वही फर्स्ट के साथ 4 सेकंड के साथ 3rd, तो 67 को 4 से मल्टीपल कर देंगे और 12 कर देंगे 4 से 4 कट कर दो, तो 67/12 ये आपका आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था, जिसके अंदर आपके क्या प्रॉब्लम क्यों आ रही थी, आपको डाउट क्यों आया, क्योंकि इसके अंदर क्वेश्चन खुद ही गलत था, तो ये करेक्शन कर देंगे आप क्वेश्चन के अंदर, बुक्स के अंदर एक तो सेक करना है और एक कॉस करना है, यहाँ पर 45 भी 30 करना है, और ये 10 square 45 तक माइनस कर देना प्लस की जगह, तो ये आपके था फिफ्थ क्वेश्चन। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डाउट, क्वेश्चन कौन सा, 7 वाला देखो, 7 क्वेश्चन क्या आपके, उसके अंदर भी इसीलिए प्रॉब्लम है आपके, क्योंकि उसमें भी क्वेश्चन में तो कुछ गड़बड़ थी बुक्स के अंदर, तो उसको करेक्शन कर दो आप। क्वेश्चन नंबर सेवन में जो आपके हैं वो है आपके 4/4 स्क्वायर 30, क्वेश्चन नंबर 7 4 अपॉन
cot square 30, cot square 30 और प्लस यहाँ 1 अपॉन cos square 30 कर देना, इसीलिए इसमें प्रॉब्लम है। आपको पहले क्या दिया हुआ था उसकी जगह cos square कर देना और माइनस का क्या है cos square 45। देखो मान सारे cot 30 की वैल्यू क्या होती बोलो, cot 30 देखो cot 30 रूट 3, तो यहाँ कर देंगे हम रूट 3 का स्क्वायर। cos square 30 की वैल्यू क्या होती है रूट 3 बाई 2 cos 30 ओके, रूट 3 बाई 2 का होल स्क्वायर और cos 45 कितना होता है 1 अपॉन cos square 45, cos square 45 दिया था क्वेश्चन में, cos square 45 ओके 1 अपॉन रूट 2 का होल स्क्वायर, क्या कर देंगे 1 अपॉन रूट 2 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे ये हो गया 3 बाई 4 और ये हो गया 1 अपॉन रूट 3 का 3 हो गया, नीचे 4 हो गया और ये 1 अपॉन 2, ये 4 कहाँ जाएगा ऊपर, तो 4 बाई 3 तो ही 4 बाई 3 और माइनस 4 बाई 2 क्या एलसीएम आ गया 6, तो अपने पास आ गया 8 प्लस 8 और माइनस का 3 16 माइनस 3 बाई 6 कितना आ गया 13 बाई 6 ये आपके आ गया आंसर। तो इसमें क्वेश्चन में कहाँ प्रॉब्लम थी आपके, ये cos square 30 करना था, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको यहाँ पर cos square 30 कर दो, ये करेक्शन था इसमें। तो ये आपके हो गए क्वेश्चन नंबर 7। अब एक क्वेश्चन आपके दे रखा है इसने क्वेश्चन नंबर 16 करवा देता हूँ, 16 देखो क्वेश्चन में भी डाउट आपके वो देख लो कैसे क्लियर करना है। क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन क्या है, दो साइड दी हुई है आपके लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, तो पहले लेफ्ट हैंड साइड लेके देखो, लेफ्ट हैंड साइड लेने पर लेफ्ट हैंड साइड लेने पर क्या लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास साइन 60 प्लस साइन 30, साइन 60 प्लस साइन 30 डिवाइड बाय साइन 60 माइनस साइन 30, साइन 60 माइनस साइन 30, सर प्लस साइन 60 वैल्यू देखो कितनी है साइन 60 निकालो साइन 60 रूट 3 बाई 2, तो हम यहाँ लिख देंगे रूट 3 बाई 2, साइन 30 की वैल्यू कितनी है 1 बाई 2, 1 बाई 2 डिवाइड बाई यहाँ भी रूट 3 बाई 2 और यहाँ भी माइनस का 1 बाई 2, 2 लिया एलसीएम तो रूट 3 प्लस 1 हो गया और नीचे भी 2 लिया एलसीएम तो रूट 3 माइनस 1 हो गया, 2 से 2 कट गया तो हमारे पास आ गया रूट 3 प्लस 1 और नीचे आ गया रूट 3 माइनस 1। तो कई लोग यहीं तक करके छोड़ देते लेफ्ट हैंड साइड कि ये हो गया, लेकिन एक्चुअल में जब भी आपके इस टाइप के क्वेश्चन हो तो रेशनलाइजेशन नीचे करना जरूरी है, हर का परमेय करना जरूरी है, ये रूट में कभी हर को मत रखना, उसको आपको चेंज करना पड़ेगा। तो आपने नाइन्थ क्लास में सीखा हुआ है कि हर का परमेय करण कैसे करते हैं, अगर दो टर्म है तो उसके ऑपोजिट साइन से मल्टीपल और डिवाइड करते हैं, तो कैसे करेंगे देखो हर का परमेय करण यहाँ पर लिखेंगे हर का परमेय करण करने पर करो तो रूट थ्री प्लस वन अपॉन रूट थ्री माइनस वन को करो हर का परमेय करण में प्लस वन से मल्टीपल और प्लस वन से डिवाइड, ये जो नीचे वाला साइन है ना उसके ऑपोजिट साइन से गुणा भाग देना है, अब ऊपर तो क्या बन गया दोनों एक जैसे हैं तो रूट थ्री प्लस वन का स्क्वायर बन गया और नीचे जो है ना वो क्या बन गया ए का स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर। अब ए प्लस बी का स्क्वायर फॉर्मूला बोलो, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी और प्लस बी का होल स्क्वायर और नीचे जो है ना रूट थ्री का स्क्वायर कितना हो गया थ्री और माइनस वन, तो हमारे पास ऊपर कितना हो गया थ्री प्लस टू रूट थ्री प्लस वन और नीचे कितना आ गया टू, थ्री और वन कितना आ गया फोर प्लस टू रूट थ्री और नीचे कितने टू, ऊपर आ गया कॉमन दो बार दो प्लस रूट थ्री और नीचे कितने टू, टू से टू कट गए, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है ना अब इसमें नीचे बैठा में कोई भी रूट नहीं है अंश में ये 2 प्लस रूट 3, तो ये पूरा ना यहाँ तक करके नहीं छोड़ना, यहाँ तक करके छोड़ो नंबर कट जाएंगे एग्जाम में, तो आपको पूरा वहां तक करना लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड लो, राइट हैंड साइड लेने पर राइट हैंड साइड क्या देखो राइट हैंड साइड आपको देती है tan 60 प्लस tan 45, tan 60 प्लस tan 45 डिवाइड बाय tan 60 और माइनस tan 45 ओके, तो tan 60 वैल्यू कितनी थी रूट थ्री प्लस वन 45 पर
ये भी रूट थ्री माइनस वन, बाकी से इमेजिनरी जैसे करना है हमने, इसमें कैसे किया अर्का परमानेंट वैसे। तो रूट थ्री प्लस वन को, रूट थ्री माइनस वन को मल्टीपल किससे कर देंगे, प्लस वन से गुणा और प्लस वन से भाग। तो ऊपर क्या बन गया वापस रूट थ्री प्लस वन का स्क्वायर, और नीचे क्या बन गया रूट थ्री का स्क्वायर और माइनस वन का स्क्वायर। ए प्लस बी का और स्क्वायर फॉलो फॉर्मूला वापस वही सेम। तो क्या हो जाएगा हमारे पास रूट थ्री का स्क्वायर प्लस टू रूट थ्री वन और प्लस वन का स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय एक तो रूट थ्री का स्क्वायर एक वन का स्क्वायर। तो रूट थ्री का स्क्वायर कितना हो गया थ्री, टू रूट थ्री प्लस वन, और नीचे हो जाएगा थ्री माइनस वन। तो वापस फोर प्लस टू रूट थ्री, नीचे टू, बाहर कॉमन आ जाएगा टू, तो क्या बचा टू प्लस रूट थ्री अपॉन टू, टू टू काट दो टू प्लस रूट थ्री। आप देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या थी टू प्लस रूट थ्री, राइट हैंड साइड क्या है टू प्लस रूट थ्री, ये आगे राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये आपका आंसर। तो ये क्वेश्चन है ना इसलिए मैंने कराया है, क्योंकि इसमें ना लोग क्या करते हैं यही तक करके छोड़ देते हैं, फिर यहाँ पे राइट हैंड साइड दूसरी एक लाइन मांगे कितने अच्छा हो गया फटाफट आगे। एक्चुअली ये पूरा करना पड़ेगा, आप रिलेशन करोगे तभी आपको नंबर मिलेंगे, दो या तीन नंबर जो भी आता है तो पूरा आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये था आपका डाउट 16, उसके अदरवाइज कोई भी डाउट आया नहीं बच्चों के, इसका मतलब हो गए होंगे सारे, ठीक है। तो कल हम नेक्स्ट क्लास में ना जो विविध प्रश्न वाला 6 शुरू करेंगे, तो जो भी तुम्हारे डाउट्स थे मैंने क्लियर कर दिए, और कोई डाउट आया नहीं व्हाट्सएप ग्रुप में, इसका मतलब या तो काम आप कर नहीं रहे या फिर सारे हो गए। अगर आपने कर लिए तो बहुत अच्छी बात है, हमको करना साथ साथ, क्योंकि वैसे हम पीछे रह गए हैं, क्योंकि अभी आप लिया जाएगा फिर ये लिया जाएगा एग्जाम, स्कूल तो पता नहीं कब तक खुलेगी, तो एग्जाम तो होंगे आपके, तो इसलिए आपको कॉपी डाल दो इसकी अच्छी सी, उसके अंदर काम शुरू कर दो जैसे मैं करा रहा हूँ वैसे, ठीक है ना। कोई ज्यादा काम दे नहीं रहा हूँ, 10-10 क्वेश्चन दे रहा हूँ। आज डाउट्स किए हैं तो वापस आज रिविजन करना है, वापस 1 से लेकर 22 तक कल हम विविध प्रश्न वाला करते हैं। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू बच्चों, ओके।